आपको आना है गूगल के क्रोम में, यहाँ पे टाइप करना है CG वैपम। जैसे आप सर्च करेंगे तो वैपम का साइट खुलेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वैपम का साइट खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ऑल इन एप्लीकेशन में क्लिक करना है। यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया है बहुत सारा जो प्रेस परिचय है वो दिया गया है। तो आपको यहाँ पे प्री बीएड और प्री डीलेट को सेलेक्ट करना है, ये वाला। इसे हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा नियम दिया गया है, विभागीय नियम, बीएड, विभागीय नियम, डीलेड, व्यापम परीक्षण निर्देश, सिलेबस। ठीक है दोस्तों, बीएड का सिलेबस, डीलेड का सिलेबस, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अगर आप व्यापम का परीक्षा पहली बार दिला रहे हैं तो आपको अपना प्रोफाइल पंजीयन कराना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको आन इन एप्लीकेशन में क्लिक करना है। आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है और अच्छे से फॉर्म भरना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऑन इन एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन पत्र भरने के पूर्व व्यापम में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अतः जो आवेदक पंजीकृत नहीं है वे पहले अपना पंजीयन करें। केवल पंजीकृत आवेदक ही व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पर आपको, अगर आप पंजीयन नहीं किए हो तो यहाँ पर आपको पंजीयन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, पूरा जानकारी डालना पड़ेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन। देख सकते हो मोबाइल नंबर डालेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इसका लास्ट नेम यानी आपका सर नेम, फिर गेट OTP क्लिक कर देना है। जैसे आप ये सब डालने के बाद गेट OTP क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा, उस OTP को डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको नया पासवर्ड बनाना है, आपको अपना पूरी जानकारी प्रोफाइल भरना है, जैसे आपका एड्रेस हो गया, जेंडर हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, पूरी जानकारी को भरना है। डिक्लेरेशन फॉर्म भी रहेगा, उसको भी क्लिक करना है, उसका सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद प्रोफाइल पंजीयन पूरा सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद इस तरीके से दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसा मिलेगा लास्ट में। तो उसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना है, गो टू यूजर लॉगिन पेज। तो देखिए आपका जो प्रोफाइल पंजीयन है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसी पेज में वापस आना है जहाँ पे लॉगिन करना है ऑल इन एप्लीकेशन वाले में। वहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद जो कैप्चा कोड दिया है इसको आपको भरना पड़ेगा। फिर आपको लॉगिन में क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन में क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो फॉर्म है उसमें रिडायरेक्ट करेगा साइट। देखिए लॉगिन करने के बाद इतना सारा ऑप्शन दिया रहेगा। तो इसमें आप जैसे आपको सेलेक्ट करना है प्री बीएड एंड प्री डीएलएड, इसमें अप्लाई में क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई में क्लिक करेंगे तो ये आपको फॉर्म में ले जाएगा। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्री बीएड एंड प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है आपको। इसमें देखिए यदि आप बीएड का एग्ज़ाम दिलाना चाहते हो, प्री बीएड का, इसमें आपको क्लिक करना है। अगर आप प्री डीएलएड का दिलाना चाहते हो तो आपको इसमें क्लिक करना है। फिर आपको सबमिट कर देना है। कैसे आप सबमिट करेंगे तो आप जो आप पहले प्रोफाइल पंजीयन किए थे वो पूरा जानकारी इसमें आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपका एग्ज़ाम सिटी है, ठीक है, जिस जिले में आप रहते हो उसको आपको सेलेक्ट करना है, वहीं आप एग्ज़ाम दिलाओगे। देखिए यदि आप फिजिकल हैंडीकेप्ड है तो यहाँ पे यस डालेंगे, अगर नहीं है तो नो डालेंगे। इसके बाद देखिए ये है आपका डिक्लेरेशन वाला लास्ट में, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आई एग्री में क्लिक कर देना है यहाँ पर।
यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे, जो कैप्चा कोड दिया है इसको आपको भरना हो, तो जैसे आप सबमिट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है, कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरी हुई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें और संशोधन कर लें। एक बार आवेदन जमा करने के पश्चात किसी भी समय किसी भी स्तर पर संशोधन और अवसर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है ओके में। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो फॉर्म एंड सबमिट में, पूरे फॉर्म को अच्छे से देख लेने के बाद तो देखिए उसके बाद आपको सबसे नीचे में स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पे दिया रहेगा सक्सेसफुल एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिया है, इसमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सबमिट हो चुका है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन लिखा है, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन आ चुका है, आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ के रूप में ये सेव हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको प्री बीएड और प्री डीएलएड का फॉर्म भरना है।